लोग अभिमन्यु का चक्रव्यूह भेदने के चक्कर में घुस गया। चक्रव्यूह तो भेद दिया लेकिन उसको कैसे तोड़ना उसको मालूम ही नहीं था। बाद में क्या होता है, मारा जाता है। कहने का मतलब देखो, अभिमन्यु पहले का जो लड़का हुआ करता था ना, भगवान का देन था। पहले का लड़का सब सुन के याद कर लेता था। आजकल तो पूरा पढ़ा भी दिया जाता, कुछ नहीं समझ में आता है। अभिमन्यु की बात करते हैं तो अभिमन्यु जब अपनी माँ के पेट में था ना, तो उसको जब पेट में था तो उसी समय उसकी माँ को एक आदमी आया था कहानी सुनाने के लिए कि चक्रव्यूह कैसे भेदी जाती है और चक्रव्यूह कैसे तोड़ी जाती है। जब अभिमन्यु पेट में ही था तो साधु क्या किया, सुना रहा था कि चक्रव्यूह कैसे कैसे भेदी जाती है। कहती है चक्रव्यूह कैसे कैसे भेदी जाती है। तो अभिमन्यु जब पेट में था तो ये सब सुन लिया कि चक्रव्यूह कैसे भेदी जाती है। लेकिन दूसरा बार क्या हुआ कि जब चक्रव्यूह तोड़ने की बात आई तो उसकी माँ क्या हो गई, सो गई। जब माँ सो गई तो अभिमन्यु पेट में क्या हो गया, सो गया। तो अभिमन्यु को सिर्फ इतना ज्ञान था कि चक्रव्यूह कैसे भेदी जाती है, कैसे तोड़ने का उसे ज्ञान नहीं था। जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो अभिमन्यु एकदम धनुष बाण लेकर अकेले भिड़ गया, पूरा चक्रव्यूह तोड़ दिया था। चक्रव्यूह का मतलब समझता लो ना, चारों ओर से तुमको क्या करेगा, लोग घेर लेगा, तुम बीच में पड़ जाओगे, चारों ओर से तुमको क्या करेगा, लोग घेर लेगा लोग। तो इसको मतलब चक्रव्यूह तो भेद दिया लेकिन कैसे इसको तोड़ना है इसको समझ में नहीं आया था। तो वहीं पर क्या किया, कर्ण भी, ये जो कर्ण था ना, इसको मार दिया। किसको, अभिमन्यु को। अभिमन्यु बहुत मतलब शक्तिशाली था छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली था। बड़का बड़का वीर लोग उसके सामने नहीं टिक सकता था। आजकल का लड़का धनुष बाण में आ गया नहीं, आजकल का लड़का गड़ियाने में आ गया। मौसी से स्टार्ट करेगा सब, माई पर रुक जाएगा सब, पूरा घर जाएगा लोग। समझे बुआ, पहले का लड़का जो था ना एकदम गर्भ में पेट में ही रहता था, सब सीख जाता था। और आजकल भगवान जब लड़का को बनाते हैं छोटा छोटा को, तो उसको सिखाएंगे कि जाना ना धरती पर, तो मेरा नाम लेना, मेरा नाम लेना मतलब राम राम करना। तो लड़का पर वही बोलेगा कि हाँ भगवान जी, हम जाएंगे धरती पर ना, तो आपका नाम लेंगे, जरूर लेंगे, वो बोलता है। आ धरती पर आते आते जाते हैं, जैसे जन्म लेगा तो बोले कहाँ कहाँ कहाँ, मतलब जानते हैं क्या कहता है, कहाँ का सीखेगा, कहाँ का सीखेगा। लड़का कहता है ऐसा, शुरू में जब जन्म देंगे, जब उसको बनाएंगे ना भगवान, तो बोलेगा कि ठीक है आपका नाम लेंगे। जन्म लेते लेते चिल्लाएगा कहाँ 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 को सीखेगा हमारा कि तोरा नाम ली।